दोस्तों मार्केट रिव्यू में हम लोग देखेंगे कि 28 जनवरी को मार्केट कैसा रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं, डेली व्यू, वीकली व्यू और टेक्निकल के बहुत सारे वीडियो है, वो देखिए आप टेक्निकल सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे कि कल के लिए मार्केट कैसा रहेगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं निफ्टी से। यहाँ पे निफ्टी 271 पॉइंट डाउन है और बैंक निफ्टी 913। तो यहाँ पे जैसे कि डाउन ट्रेंड मार्केट ने कंटिन्यू किया है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमने निफ्टी का क्या स्टडी किया था। जो ट्रेंड लाइन है जो इंपोर्ट हाउस था उसके नीचे जो कि निफ्टी क्लोज हुआ है और यहाँ पे हमारा नजदीक का सपोर्ट था लगभग 14,200। ये बहुत अहम सपोर्ट था, मैंने आपको कहा था जब भी ये ब्रेक करेगा तो एक पैनिक होगा। तो वैसे ही एच कैंडल बनाया, पहले भी हमारा 14,400 का लेवल मार्केट ने ब्रेक किया है। तो यहाँ पे देखो कि मार्केट ने एक क्लियर कट कंफर्मेशन दिया है डाउन ट्रेंड का, लेकिन ये कितना कंफर्म है? तो अगर आप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होते तो हम लोग समझते कि उसके नीचे दो कैंडल क्लोज होना चाहिए रेड, और ये लेवल भी ब्रेक किया तो ये लेवल बहुत जैसे कि हाई वॉल्यूम से किया है, तो ये कंफर्मेशन हुआ कि ये लेवल तो इसने ब्रेक किया है। प्लस जैसे कि बजट आने वाला है, तो बजट एक एक फंडामेंटल चीज है। उसके पहले अगर बजट कुछ अच्छा आता है बुरा आता है, इसलिए भी इतना जो रैली हुआ है, तो रैली के जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया था अभी से, वो प्रॉफिट बुक करना भी शुरू कर रहे हैं। जैसे कि मार्केट जब भी अप ट्रेंड होता है तो कभी बैड न्यूज आते हैं तो भी मार्केट गिरता नहीं है, लेकिन जब ये ट्रेंड रिवर्सल होना है या कुछ प्रॉफिट बुक करना है, ऐसे टाइम पे कोई थोड़ा सा बैड न्यूज आता है तो मार्केट उसको रिएक्ट करता है। तो मार्केट न्यूज से ज्यादा कि एक उसका ट्रेंड रहता है, वो ट्रेंड फॉलो कर रहा है। जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने का चांस था वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। अभी आपको लेवल के ऊपर ध्यान देना है। बजट के पहले और दो ट्रेडिंग सेशन है तो उसमें भी मार्केट क्या कर सकता है। कल जैसे कि वीकली एक्सपायरी भी है और वो मंथली एक्सपायरी भी है, तो कल का भी दिन एक बहुत ही हाईली वॉलेटाइल रहेगा। जैसे मैंने वीकली व्यू में भी कहा कि ये जो वीक रहेगा उसमें कम से कम ट्रेड करो या फिर जहाँ पे समझता है वहां पे ही करो, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि वॉलेटिलिटी बहुत है। डाउन ट्रेंड भी लगभग यहाँ पे कंफर्मेशन दिया है। तो कल का जो लेवल हो सकता है जो कि एक्सपायरी का 14,200 ऊपर और नीचे 13,000 800 या 700 के बीच में, यानी कि 13,777, ये जो रेंज होगा इसके बीच में एक्सपायरी होना चाहिए। आज जैसा कि 14,000 का जो लेवल था इंपोर्ट ऑफ मार्केट ने वो भी क्लोज कर दिया, तो साइकोलॉजिकल जो है कि मार्केट पे ऊपर ट्रेडर के ऊपर बहुत प्रेशर है, तो यहाँ पे नेगेटिविटी और भी हो सकती है। अभी इतना जैसे कि मैंने जो कि कल के छुट्टी के पहले भी कहा था लगभग 25 तारीख को कि ये जो तीन कैंडल स्टिक फॉर्मेशन आया है ये नेगेटिव कैंडल स्टिक फॉर्मेशन है, थ्री ब्लैक क्रो जिसको हम बोलते हैं, तो इसका भी एक असर हो गया। प्लस नजदीक वाला लो भी ब्रेक किया है। नीचे वाला मेरा टारगेट है 13,777 और उससे भी नीचे वाला जो सपोर्ट है 13,133, ये यहाँ पे एक बार जो है कि टेस्ट हुआ था, अभी यहाँ पे सेकंड बार आ सकता है। बट 13,777 जो है ये लेवल ब्रेक करेगा तो ये लेवल आ सकता है। इतना गिरने के बाद शायद मार्केट कल जैसे कि एक्सपायरी, और एक्सपायरी में मार्केट जो है कि एक डोजी कैंडल टाइप बनाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो जिन्होंने भी बाय या सेल किया होगा वो अपनी पोजीशन कवर करते पूरे महीने के, तो यहाँ पे जो हमको ट्रेंड दिख रहा है शायद उसके अपोजिट भी ट्रेंड होता है। तो यहाँ पे कल मार्केट थोड़ा सा चकमा भी देख सकता है और एक डाउन ट्रेंड नहीं जाते हुए यहाँ पे कोई डोजी कैंडल बनेगा, यानी मार्केट फ्लैट हो सकता है, लेकिन उसके पहले ऊपर नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पे कल ज्यादा ही आपको केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा। इंट्राडे के भी हमने डेली के लेवल देखे, हम लोग इंट्राडे के लेवल भी देखते हैं जो है कि 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो देखिए 5 मिनट के चार्ट में मैं कुछ बाय और सेल के लेवल लगाता हूँ। तो ये जो आज का लो था इसके आसपास ही मार्केट है, 13,928 ये लेवल है। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज होता है यहाँ पे कि आपको सेल करना चाहिए या फिर आप शॉर्ट पोजिशन ले सकते हैं। ऊपर के लेवल पे देखिए कि ऊपर के लेवल पे ऑलवेज यहाँ पे मेरा कुछ 60 मिनट का ही लेवल है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक प्रॉपर, जहाँ से मार्केट गिरा था जो लास्ट में 14,048 के ऊपर ही जाता है तो ही बाय कीजिए, क्योंकि 14,000 भी कवर करेगा और एक लेवल भी है, तो उसके ऊपर जाएगा तो ही हम लोग बाइंग के लिए सोचेंगे। नेक्स्ट बैंक निफ्टी,
देखिए बैंक निफ्टी स्पॉट जो कि मैंने ऑलरेडी कहा था कि इसने कंफर्मेशन दिया है, दो रेड कैंडल क्लोज हुआ है जो कि हमारा ट्रेंड लाइन था। तो जो बैंक निफ्टी इतना गिरा तो ज्यादा कुछ ये भी नहीं है कि जैसे हम बोलते हैं कि सरप्राइज नहीं है कि वो गिरना ही था, क्योंकि कंफर्मेशन था, डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन दिया था, लेवल ब्रेक किया था। आज भी उसने बहुत अच्छा लेवल था 30,900 वो भी ब्रेक किया है, तो ये कंटिन्यूशन हो सकता है और वो आ सकता है 29,460 के यहाँ तक पहला टारगेट आ सकता है। नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 28,083। बजट के लिए सिर्फ दो सेशन है, तो आप वेट एंड वॉच करोगे जिनको जो कि मार्केट नहीं समझ रहा है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी रहेगा तो आप वेट एंड वॉच करते हो तो वो ठीक रहेगा। अभी जैसे ही कि ये जो लेवल रहेगा 30,153 के नीचे जाता है तो आप कल सेलिंग कर सकते हो। इंट्राडे में देखेंगे कि बाइंग का लेवल क्या है, तो हम लोग 5 मिनट में देखेंगे। तो मैंने आपको सेलिंग का लेवल जैसे बताया, तो 5 मिनट में देखे कि इंट्राडे में भी एक बहुत अच्छा लेवल आया था ये 15 मिनट्स के ऊपर, उससे बाद ये मार्केट यहाँ से गिरने लगा, 3,798 के ऊपर जाता है तो ये आप बाय कीजिए इंट्राडे में। सेलिंग का लेवल मैंने नीचे आपको बता दिया। दोस्तों हम लोग रिलायंस के बारे में देखेंगे, तो जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी कंफर्मेशन दिया था नीचे का, निफ्टी ने और एक दिन देने के बाकी है। हम लोग स्टॉक के बारे में देखेंगे, जैसे मैंने आपको रिलायंस का कहा था कि ये 2020 के नीचे जब ये आता है तो ये 1900 जाएगा, तो 1900 के नीचे 5 रुपये और भी नीचे है, 1891 के नीचे कल अगर 15 मिनट सस्टेन करता है तो यहाँ पे सेल कर सकते हो, 1854 का यहाँ पे टारगेट आ सकता है। तो मोस्टली आज सब सेलिंग के स्टॉक मिलेंगे, बाइंग के रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, और कल भी आपको जिस स्टॉक के मैंने ये बता रहा हूँ उसमें आप बहुत लाइटली ट्रेड करना है। हमने कुछ स्टॉक निकाले थे एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, तो मार्केट डाउन था तो इनके बाइंग के रेट आए नहीं। जो कि TVS मोटर में मॉर्निंग में कुछ बाइंग आया था, फिर से ये इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई। मैंने आपको टाटा मोटर्स के बारे में बताया था कि ये जो स्टीप चल रहा है यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है यहाँ से सेलिंग आएगा, तो आज उसमें भी आ गया। और अपोलो टायर में भी मैंने बताया था, इसके लेवल मैंने शेयर नहीं किए थे बट मैंने आपको बताया था कि क्या मूवमेंट हो सकती है। कल के लिए कुछ स्टॉक हम लोग देखेंगे, तो कल के लिए नेचुरली हमको सेलिंग वाले स्टॉक मिलने वाले हैं क्योंकि मार्केट इतना डाउन था। तो यहाँ पे मैं कोटक बैंक इसलिए चूज कर रहा हूँ, यहाँ पे इसने नजदीक वाला लो ब्रेक किया है और जो है कि 1745 के नीचे अगर जाता है तो आप इसमें शॉर्ट कर सकते हो। इसका जो नेक्स्ट टारगेट आने आ सकता है 1698 का आसपास टारगेट आ सकता है। BPCL लेके इसने भी एक जो है कि लो ब्रेक किया है, तो हम इसको जो टारगेट रहेगा पहले हम लोग देखेंगे सेलिंग का लेवल, तो सेलिंग का लेवल रहेगा उसका 3,79 और उसका टारगेट हो सकता है लगभग ए लेवल के ऊपर वो रहेगा 3,74। HDFC लिमिटेड इसने भी देखे कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया है और कंफर्मेशन भी हो गया है, तो HDFC लिमिटेड में हम लोग देखेंगे 2,454 के नीचे यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। नजदीक वाला जिसका टारगेट आएगा 2,409 तक इसका टारगेट आ सकता है। नेक्स्ट है टाइटन, तो टाइटन भी देखिए कि एक लेवल अच्छा ब्रेक किया है, एक हेड एंड शोल्डर जैसा भी यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है, तो टाइटन में आप बाई कर सकते हो, सॉरी सेल कर सकते हो। 1,430 के नीचे जाता है तो आप इसमें सेल कर सकते हो। नेक्स्ट टारगेट है 1,398 तक ये इसमें लेवल आ जाएगा। तो दोस्तों इतने स्टॉक थे जो जो मैंने आपके साथ कवर किए, ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कल ये स्टॉक ऐसे चलने चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल ऐसे सीखना है मेरे साथ तो आप मेरे साथ सीख सकते हो, ऑनलाइन भी या हमारे क्लासरूम ट्रेडिंग में भी सीख सकते हो। जिनको भी ये ट्रेडिंग लेना है तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।